हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? और फिर आ गया हूं मैं आप लोगों से मिलने, आप लोगों के एक और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और आज का क्वेश्चन है डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयर डेंसिटी? बहुत बार आप ऐसा उन्होंने लिखा है जिन्होंने भी क्वेश्चन किया, सर आप बार बार डेंसिटी वर्ड यूज करते हो अपने हेयर कट्स में कि इनकी हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी का मतलब होता है बाल कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। हालांकि इन चीज़ों पे मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आता है सामने तो मुझे ऐसे लगता है कि इस बार फिर एक बार आपको आंसर दूँ। तो आज बेसिकली डेंसिटी का मतलब होता है कितने ज़्यादा बाल हैं, कितने कम बाल हैं। ज़्यादा बाल मतलब हाई डेंसिटी। अब ये हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी का कैसे पता लगता है आपको? अगर आप बालों को देखते हो, स्कैल्प को देखते हो, तो पर स्क्वायर इंच आपको देखना है। वहाँ पर आपको देखना है कि कितने हेयर स्ट्रैंड है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया पे कितने बाल आपके निकले हुए हैं, फॉलिकल्स कितने ज्यादा हैं, हेयर स्ट्रैंड कितने ज्यादा हैं, उसको जब आप देखते हो। अगर जिनके हाई डेंसिटी के बाल हैं तो वो पर स्क्वायर इंच पे उनके काफी ज्यादा बाल नजर आएंगे, मतलब जो फॉलिकल्स हैं वो पास पास में नजर आएंगे। तो दैट मीन्स के दे हैव गॉट अ वेरी हाई डेंसिटी हेयर। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि जैसे अगर आप देखोगे कई लोगों के बाल बहुत फाइन होते हैं, बट फिर भी जब आप बालों को होल्ड करते हो तो बहुत ज़्यादा बाल नज़र आते हैं। यू फील लॉट ऑफ हेयर, इवन दे हैव फाइन हेयर। तो इसका मतलब कि उनके पर स्क्वायर इंच पे जो डेंसिटी है, मतलब जो बाल हैं, जो उनके हेयर स्ट्रैंड हैं, वो ज़्यादा निकल रहे हैं, फॉलिकल बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए उनके बाल फाइन होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा आपको बंच नज़र आता है। ऐसे आप होल्ड करते हो तो समझ में आता है। और कई लोगों के डायमीटर थिक होने के बावजूद भी वहाँ पे आपको बाल कम नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कि आपके जो बाल हैं उसमें है गैप, आपका जो स्कैल्प है उसमें पर स्क्वायर इंच पे फॉलिकल्स आपके कम नज़र आ रहे हैं। और हमारे हेड शेप में अगर आप एक चीज़ देखोगे, दोनों साइड्स में, एक साइड में आपको थोड़ा थिक ज़्यादा हैवी बाल नज़र आता है, एक साइड में कहीं कम नज़र आता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे किसी पोर्शन पे आपको डेंसिटी ज़्यादा नज़र आती है, किसी में कम नज़र आती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो हमारे बालों में, अगर हम अपने बालों को गिने तो हमारे बाल होते हैं 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक, और एक्सेप्शनल केसेस में 1.5 लाख तक भी होते हैं बाल। जिनके 1.5 लाख बाल हैं, इसका मतलब कि उनके पर स्क्वायर इंच में कम से कम 2,200 बाल होते हैं, मतलब 2,000 से 2,200 स्ट्रैंड्स होते हैं पर स्क्वायर इंच पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। तो डेंसिटी पे क्या क्या है हमारे? हाई डेंसिटी मतलब जिनके बहुत ज़्यादा बाल हैं, 1.5 लाख, 1,40,000, 1,30,000, 1,20,000 भी हाई डेंसिटी में आता है। और अगर हम लोग मीडियम की बात करें तो वो थोड़ा सा उससे कम रहेगा। और अगर हम लोग फाइन मतलब लो डेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब वो 80,000 में आएगा। तो ये डेंसिटी का मतलब है। मुझे लगता है आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बाकी जाने से पहले, ऑनलाइन क्लासेस बहुत अमेजिंग चल रही हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो वो सब चीज़ों के आंसर हम लोगों ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस में दिए हुए हैं, बहुत डिटेलिंग में दिए हुए हैं। अगर मैं हेयर कट्स की बात करूं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने आप अकेडमी में बैठे हो और अकेडमी में बैठ के लर्न कर रहे हो। इतने अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने पूरा, क्योंकि इसमें बहुत काम किया हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में, दिन रात काम किया है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने वो हर चीज़ के ऊपर बात की है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर हो, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उन चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया है। बाकी यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको इमीडिएटली आपको एक आपका ट्रेनर मिलता है जो आपके आपके क्वेश्चन का आंसर दे। हमारे हर बैच में एंड में जो भी आप टॉपिक देख रहे हो, जो भी आप लेक्चर करते हो, उसके बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और हर बैच में हम लोग 20 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देते हैं। और मुझे 20 क्वेश्चंस जब आप सुनते हो और उनके आंसर्स भी सुनते हो, भले आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप सुनने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एक ऐसा है कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद में। बाकी अकेडमीज हमारी खुल चुकी हैं, अगर आप लोग को अकेडमी में ज्वाइन करना है, मुंबई आना है, मुंबई आ सकते हैं। मुंबई के अगर आप बाहर हैं, आप जहाँ पे भी, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, पता करो कि जहाँ पे भी आप हो आसपास में, अगर आपकी अकेडमी है या नियर बाई अकेडमी है तो हम लोग वहाँ पे देंगे। क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में है, बिहार में है, झारखंड में है, यूपी में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, तो हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में, और बहुत सारे स्टेट्स में अभी आ भी रहे हैं, उसके बारे में बहुत जल्दी इन्फॉर्म करूँगा। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया कोर्स, आइएगा ज़रूर। 3 महीने का कोर्स है, 30,000 रुपीज़ हमारी अकेडमी में। और अगर आप लोगों को करना है ऑनलाइन तो वह है सिर्फ 1,200 रुपये का, वो भी इसी महीने। इसके बाद में आप करोगे तो यही कोर्स होगा
आपका 10,000 रुपीज़ का। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो अभी के अभी कर लेना, बाद में करोगे तो आपको पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि आपको बताया नहीं। इसी महीने दिस इज़ द लास्ट मंथ वेयर यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस इन 1200 रुपीज़ ओनली, जो कि आपका कोर्स होगा 3 से 3.5 महीने घर बैठे बैठे। हिंदी में हम लोग बात करते हैं, अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप लोग को अगर हिंदी आती है तो आप ज़रूर ज्वाइन करना, और मुझे लगता है आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।